अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा गोंदल है। मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 20-25 साल से मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन यहाँ पे हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन है वो है कि रमज़ान के महीने में जो इम्यूनिटी है इंसान की वो किस तरह बूस्ट की जाए या उसका किस तरह ख्याल रखा जाए। तो बेसिकली एक पहले सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि देखा जाए कि किसी भी पेशेंट का रमज़ान से पहले एक असेसमेंट होनी चाहिए कि क्या वो रमज़ान के रोज़े कुछ रख सकता है या नहीं रख सकता। पहले तो ये सवाल है कि आया वो रखे भी रोज़े या ना रखे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो अगर इम्यूनिटी कम है किसी वजह से तो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है कि वो रमज़ान के रोज़े जो है वो मुकम्मल अपना कर सकें और एज सच ओवरऑल वीकनेस और ये सारी। तो बस ये है कि इसमें डाइट का अपना ध्यान रखना चाहिए, इसमें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लें। हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि जी ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें ये ज़्यादा शुरू हो जाती हैं सहरी में भी और इफ्तारी में भी, तो उसको भी अवॉइड करें। जिस तरह पहले रूटीन में खाना अगर किसी को परहेज़ डॉक्टर ने बताई हुई है तो वो उसी तरह एक परहेज़ जो है वो करनी है। बाकी अपने मल्टी वाइटामिन स्पेशली जो हैं वो अगर डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किए हैं तो वो ज़रूर अपने जो हैं, और उनकी थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है रमज़ान के महीने में, वो लोग जिनको डॉक्टर इजाज़त दे देते हैं कि हाँ जी आप रोज़ा रख सकते हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ को मॉर्बिड कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कि किसी को क्रोनिक डायबिटीज़ है या रीनल फेलियर है या हाइपरटेंशन है या कोई और रेस्पिरेटरी इलनेस हैं, लेकिन डॉक्टर की मतलब चेकअप के बाद वो रोज़ा उनको इजाज़त मिल जाती है कि रख सकते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना मल्टी वाइटामिन का अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के कोई जो भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं, पाउडर्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो ज़रूर अपनी साथ में लें। और उसके अलावा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, सब्ज़ियाँ खाएँ, सलाद खाएँ, दूध लें, जो भी इन चीज़ें जो इनमें से जो डॉक्टर अलाउ करते हैं वो ज़रूर लें। और स्पेशली ऐसी कंडीशन में कि जब हमारे यहाँ गर्मियों के मौसम में लंबा रोज़ा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो पानी अपना और जूसेस ये भी ज़्यादा लें, लेकिन अपना सेहत का ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और स्पेशली अपनी जो खुराक का और स्पेशली अपनी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पर लें। और स्पेशली उसमें जो मल्टी विटामिंस हैं अगर डॉक्टर तजवीज़ किए हैं तो वो लाजमी ज़रूर लें हमके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।